कुंभ मेले 2019 के लिए जमीन काटने के बाद बसाहट के लिए भूमि पूजन किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सभी 13 अखाड़ों को मेला डीएम ने भूमि आवंटित की है और इस बार अखाड़ों की बसाहट संगम क्षेत्र में गंगा के उस पार झूसी की ओर होगी, क्योंकि गंगा यमुना की कटान के कारण इस बार मेला क्षेत्र में गंगा के इस पार जमीन कम है। और इस मौके पर अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत श्री हरिगिरी जी ने कहा है कि हम सभी अखाड़े इससे संतुष्ट हैं और सफल कुंभ की कामना करते हैं। कुंभ मेले की तैयारी काफी तेजी पर है और आज अखाड़ों की जमीन का यहाँ पर आवंटन चल रहा है। मेरे साथ में जूना अखाड़े के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी जी महाराज हैं। जो जमीनों का आवंटन हो रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना है? ऐसा है, जमीन को जब बढ़ती है तो उसमें कुछ कहने की जगह बाकी नहीं होती है, क्योंकि इसमें अनेक बार में अनेक मामले में आए राम सहमत से, तो जितने भी प्रशासन के अधिकारी होते हैं छोटे से बड़े सबका, चाहे कोई भी हो, ये साहब खड़े थे, अभी वो अमीन ने कह दिया कि ये लाइन इधर नहीं इधर है, तो जो भी को होती इसमें सबकी आम राय मंथन करके तब उसमें किया जाता है। तो जमीन कटने पे सारे साधु संत प्रसन्नचित हैं, आनंद है। जो भी विषय था, गत्तामी न सोचामी, इसलिए गत में क्या था उसमें अच्छे व्यक्ति चिंतन नहीं करते हैं, भविष्य की अच्छी प्रार्थना करते कामना करते हैं। तो हमारा इतनी है कि आज की जमीन जो कट रही है, जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उन सबके लिए स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मेला में कोई उनको दुख समाचार न आवे, कोई ऐसा शोक न मिले। आ इनको 33 करोड़ देवी देवताओं से प्रार्थना किया कि कीर्तिमान जस अपना स्थापित करें, और साधु संत प्रार्थना के लामे करते रहते हैं, जो 15 करोड़ आने वाले हैं उनके लिए भी प्रार्थना किया गया। जिस तरह बता रहे हैं श्री महंत हरिगिरी जी की, जो 15 करोड़ श्रद्धालु आए, कम से कम सकुशल यहाँ पर स्नान करें और कुंभ यहाँ पर आए और कम से कम वो वापस सुरक्षित घर को जाएं। तो ऐसे मेरे साथ में जो कुंभ मेले के मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद जी, इनसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह हरिगिरी जी बता रहे थे कि मेले को लेकर तैयारियाँ अच्छी हैं और काफी अखाड़े खुश भी यहाँ पर हैं, तो ऐसे में जो और व्यवस्थाएं हैं आपकी चाक चौबंद दिख रही है, क्या कहना है? जैसा आप देख रहे हैं, परमादरणीय अखाड़ा परिषद के सानिध्य में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री जी के निर्देशन में आज बसावट का काम शुरू हुआ। शुभ अवसर में ये भूमि पूजन किया गया और उनके सामने आज अखाड़ों के बसावट का काम प्रारंभ किया गया। अभी हम लोग पूरा मेला प्रशासन की टीम यहाँ कटिबद्ध प्रयास करेगी, जो श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए और अखाड़ों के लिए, सभी के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं, अवस्थापना सुविधाएं सृजित की जा रही है, चाहे शौचालय हो, चाहे वहाँ पे टेंट की व्यवस्था हो, बिजली पानी और सड़क की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम लोगों के पास 2 महीने समय है, समय निर्धारित है, शासन द्वारा योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। कोशिश यही है कि समयबद्ध तरीके से उसको पूर्ण किया जाए, गुणवत्तापूर्वक काम किया जाए, और कोशिश है कि जो लोग आ रहे हैं उनको एक स्वच्छ कुंभ, एक सुरक्षित कुंभ और अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे मिले, ये हमारा प्रयास है। स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ, चाहे श्री महंत हरिगिरी जी हो, चाहे मेला अधिकारी हो, ये लोग चाह रहे हैं बहुत अच्छा कुंभ इस बार हो और दिव्य और भव्य कुंभ किया, ये सब यहाँ पर कामना कर रहे हैं। समय के लिए प्रयागराज से कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी।